सवाल सवाल पूछिए सवाल। राहुल गांधी के मामले में कंट्रोल हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी। देखिए बात यह है कि मैं तो ये तय नहीं करता ना, ये तो मास्टर ऑफ द रोस्टर तय करता है कि उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं। सर मेरा ही सवाल है आपसे कि इन दिनों एक और बड़ी बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे उनकी मदद करनी है, तो अभी तो मैंने बहस ही नहीं की, तो आपके सामने मैं क्या रखूं, बहस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ना मैं वो गद्दार हूँ भैया, आजकल तो मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ। कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ तो उसका मैं जवाब कैसे दूँ, तो विवेक जी देंगे। जिस तरह से मर्डर हुआ है और क्या ये पूरा घटनाक्रम को देखकर आपको लगता है कि क्या सरकार प्रायोजित घटना थी? दूसरा संजय साहब कॉलेज को लेकर जनरल केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में क्या कोई कोल्ड वॉर चल रहा है? अतीक अहमद के मामले में जो घटना हुई है और खास तौर पे पुलिस कस्टडी में घटना हुई है वो शर्मनाक है, और इसमें से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि 10:30 बजे रात को कौन सी इमरजेंसी थी कि आपको अस्पताल ले जाना पड़ा? तो ऐसी इमरजेंसी तो थी नहीं है, और दोनों लोगों को कैसी इमरजेंसी थी? पहली बात तो ये हथकड़ी एक और हथकड़ी पहना के ले जाना पड़ा। दूसरी बात कि अस्पताल में क्यों नहीं उतारा गया गाड़ी को, बाहर क्यों उतारा गया, क्या जरूरत थी? मीडिया को कैसे पता चल गया तो आने वाले हैं? तीसरी बात, ये जो तीन लोग थे ये तो अलग अलग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो ये कैसे उसी टाइम उसी जगह पहुंचे? और अगर इनकी बैकग्राउंड देखो, तीनों की बैकग्राउंड देखो, तो गरीब परिवार के हैं, ये शिक्षित भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तो इससे ये साफ जाहिर है कि जो 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 बच्चे इस देश में शिक्षा नहीं पाएंगे, रोजगार नहीं पाएंगे, तो यही काम करेंगे। और हिंदुस्तान में 18 और 25 साल की उम्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29% है, तो आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये तो डेमोग्राफिक डिजास्टर है, क्योंकि शिक्षा पे कोई जोर नहीं दे रहा, स्वास्थ्य पे कोई जोर नहीं दे रहा जैसे विवेक जी ने बताया, और ऐसे ही अगर गरीब तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे तो यही करेंगे और क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने, ये बात मैंने सोशल मीडिया पे देखी, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, कि पुलिस वैन में वो तीनों आए थे, ये भी कहा गया है, मैं इस बारे में जानता नहीं हूं। और फिर सबसे जो शर्मनाक बात यह है कि लोग वाह कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कानून की जरूरत ही नहीं है, जो मन चाहे कि जिसको चाहे आप मार दो, और फिर जो बड़े बड़े लोग हैं प्रदेश के वो इसको इसकी वाह करते हैं कि देखिए हमने डर दूर कर दिया, लोगों का डर दूर कर दिया। ये कौन से संविधान की बात हो रही है और कौन से कानून की बात हो रही है? अगर ऐसे ही होना लगे, और अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, गृह मंत्री नहीं बोलते इस बात पे, तो मैसेज क्या जाता है? करोगे बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होने वाला, और आप देखना कि कुछ ही दिनों में। अच्छा, फिर इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, पहली बात तो इनको पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए था तफ्तीश करने के लिए कि आपके जो हथियार हैं, 7-7 लाख के जो हथियार हैं वो कहां से आए, किसने खरीद के दिए, कहां से खरीदे, किसने आपको दिए, कोई तफ्तीश नहीं, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, ये कौन सा कानून है? और फिर आपको मालूम है कि जहां असद की बात थी उसको तो मार दिया उन्होंने, और यहां जो तीनों थे तीनों सरेंडर किए, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, क्यों नहीं चलाई? उसने तो 7 राउंड 11 राउंड डाले मारे थे। तो ये सवाल उठते हैं, इनका सवाल का जवाब हमें मिलने नहीं वाला, ये मेरी शंका है कि मिलेगा नहीं जवाब इनका। इसके बारे में क्या मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट जो करती है तो करती है, नहीं, लेकिन कानून बनता है
देखिए, जहां तक कानून का सवाल है, एक मोटी बात आपको बताना चाहता हूं। कानून आप कोई भी ले लो, कानून तो इसलिए बनता है कि अगर लोग उसका पालन नहीं करें तो उनको सजा होनी चाहिए, इसीलिए कानून बनता है। लेकिन आप कोई दुनिया में कोई कानून ले लो, जो सत्ता में बैठा हुआ है अगर वो दुरुपयोग करेगा उस कानून का, तो वो कर सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ले लो आप, उसका भी दुरुपयोग होता है ना उसका। कानून तो ठीक है, आप कोई कानून ले लो, जो कानून की का पालन करने वाले हैं अगर वही कानून की खिलाफत करें तो फिर कानून कहाँ आएगा। और इस देश में यही हो रहा है, आप कोई कानून ले लो उसका दुरुपयोग होता है। पहली बात तो है, मैं मोदी जी के खिलाफ क्यों लड़ू भैया। मैं चाहता हूँ कि विपक्ष जीते, मुझे कोई एक व्यक्ति के साथ कोई ज्यादा वो नहीं है दिलचस्पी। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, ये बेरहम सरकार, ये बेइंसाफ सरकार को खत्म किया जाए, ये मेरी सोच है और इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। मोदी जी जीतें हारें इससे मुझे ताल्लुक नहीं है, जो विचारधारा है उसको हराना। चलिए अंतिम सवाल आएगा तो सर्टिफिकेट राइट है। ऐसा है, मैंने जिंदगी में ऐसे काम नहीं कभी किए कि कोई पॉलिटिकल मूव देखो, ऐसा है जो दिखता हूँ वही हूँ। मैंने कभी, आप मेरे इतिहास को कोर्ट में देख लीजिए, कोर्ट के बाहर देख लीजिए, मैं कभी इस बात से नहीं कि ये मेरी कोई मैनिपुलेटिव मूव है, पॉलिटिकल मूव है, मुझे क्या लेना देना है। मैं ना भी हूँ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आप फिर भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाओगे बात नहीं है। विक्टिम की फैमिली ने बयान दिया है कि दे विल अपील अगेंस्ट इट। मुझे लगता है कि SIT तो कभी अपील करेगी ही नहीं, लेकिन विक्टिम की फैमिली तो करेगी। अरे भाई, अगर आप भी मुश्किल में हो मेरे पास आओ तो आपको भी सपोर्ट करूंगा। स्पष्ट कर दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस मैन हूं क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, वो विचारधारा मेरे जहन में बहती है, उसको कभी मैं छोड़ नहीं सकता।